यहाँ फोटोज है, ये नीचे की साइड है, इट्स अ गैलरी विंडो। यहाँ पे सारी गैलरी दी हुई है। सबसे पहली है एल्बम पेज, जहाँ पे आपको सेव किए हुए एल्बम पेज दिखाई देंगे। मैंने जैसे यहाँ पे सैंपल एल्बम का एक प्रोजेक्ट इसके पहले बना के रखा हुआ है, तो उसके सेव PSD फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये फोटोज में गया, यहाँ पे मेरे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। मैंने कोई भी फोटोग्राफ यूज नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर कोई भी वाटरमार्क नहीं है। ये बैकग्राउंड गैलरी है, यहाँ पे मेरे इंस्टॉल्ड सारे बैकग्राउंड दिख रहे हैं। बैकग्राउंड के फोल्डर कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारे फोल्डर मिलते हैं, तो इसमें से कोई भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड बैकग्राउंड फोल्डर भी आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आप फ्लावर सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे सारे फ्लावर आ जाएंगे, तो फ्लावर वाले बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बोके वाला लेता हूँ तो बोके वाले बैकग्राउंड दिखाई देंगे। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली एक डिफॉल्ट बैकग्राउंड का फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मास्क दिए हुए हैं जो अनगिनत कंडीशन में है। आप फ्रेम मास्क ले सकते हैं, डिजाइनर मास्क ले सकते हैं, फेदर मास्क ले सकते हैं, हाईलाइट मास्क ले सकते हैं, बैकग्राउंड मास्क जो कि सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर ही काम करेंगे। इसके बाद फोटो आर्ट है। फोटो आर्ट में बहुत सारे रेडीमेड आपको डिजाइन्स मिलते हैं जिनको आप राइट क्लिक करके लोड करके फिर उसके अंदर अपने फोटो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप भी दिए हुए हैं, तो ये शेप भी आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप की कैटेगरी दी हुई है, बोके कैटेगरी, तो यहाँ पे बोके दिख रहे हैं। एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सारे रेडीमेड एलिमेंट्स दिख रहे हैं। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो, फ्लोरल या फोटो बेस, तो वो सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आप इसको यहाँ से स्क्रोल करके देख सकते हैं। फिर उनको किस तरह से आपको फोटो के ऊपर फील करना है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कलर ऑप्शंस में जैसे नन करेंगे तो जैसे कि तैसी आपके शेप अप्लाई होंगे। फोरग्राउंड कलर मतलब कि कलर पैलेट में आपका कौन सा कलर सिलेक्ट है, तो वो फोरग्राउंड कलर से फील होके आएगा। बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट रखेंगे तो बैकग्राउंड कलर से फील होके आएगा। ग्रेडियंट आप रखेंगे तो ग्रेडियंट से फील होके आएगा, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके बाद हम क्लिप आर्ट गैलरी में चले जाते हैं। यहाँ पे अनगिनत क्लिप आर्ट दिए हुए हैं और इन्हीं जगह पे आप अपने खुद के क्लिप आर्ट भी यूज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट आपके खुद के यूज करने के लिए, जहां भी एल्बम सेंस आपका इंस्टॉल हुआ है उस फोल्डर के अंदर आपको क्लिप आर्ट नाम का फोल्डर मिलता है, उसी फोल्डर के अंदर आप अपना खुद का फोल्डर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ब्रश प्रीसेट, रेडीमेड ब्रश प्रीसेट की पैलेट दी हुई है। आप ब्रश की साइज, फेदर, ऑपेसिटी, सर्कल या स्क्वायर, जो भी ब्रश आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल, ये आपके ब्लेंडिंग मोड है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ब्रश की ये जो पैलेट है उसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक, यहाँ पे कंपनी आपको अनगिनत कलर के रेडीमेड स्ट्रोक दे रही है जो आप डबल क्लिक करके सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लाइटिंग इफेक्ट्स, जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो के ऊपर जो भी लाइटिंग इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कैटेगरी की लाइटिंग इफेक्ट दी हुई है। इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स आते हैं लाइटिंग इफेक्ट्स के, तो आप वेब से डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कलर इफेक्ट भी उसी तरह से आपको अलग अलग कलर्स के दिए हुए हैं, वो भी डिफॉल्ट कलर आपके जो इंस्टॉल हो रहे हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। कलर इफेक्ट भी फ्यूचर में कंपनी आपको नए नए अपडेट्स देती रहेगी जो आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं।